है यहाँ 6 अगस्त, 3 हफ्ते हो गए हैं, पुलिस ने जिस पुलिस को गुंडे दिखाई नहीं देते थे, जिस पुलिस और प्रशासन ने 5 घंटे तक इनकी लूट होने दी, अब वो बहुत ज्यादा सतर्क हो गए हैं। वो इतना सतर्क हो गए कि उन्होंने वहां कर्फ्यू लगा दिया। अब विशालगढ़ का आदमी नीचे नहीं आ सकता है और नीचे का आदमी विशालगढ़ में नहीं जा सकता है। मुझे नहीं मालूम आप लोग वहां कभी गए हो, लेकिन वहां पर जितने लोग रहते हैं सबकी रोजी रोटी विशालगढ़ और उस मजार से ही चलती है। जिनके पास खेती है वो खेती कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि वहां पर वो गौड़ एक जानवर होता है, वो भैंस की तरह होता है, जंगली भैंस समझिए, गवा, बाइसन, हाँ। वो वहां जंगलों में भरे हुए हैं, ऊपर जंगल कटा है तो नीचे आ गए हैं, तो उनकी वजह से कोई भी खेत में नहीं जा सकता है, तो खेती नहीं कर सकते हैं। लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, और बाकी लोग जो वहाँ रहते हैं, जो यात्री आते हैं मजार पे चादर चढ़ाने या विशालगढ़ को देखने, उनका सामान उठाने का काम ये लोग करते हैं, उनके लिए चाय, उनके लिए खाना, उनके लिए रहने की जगह का ये प्रबंध करते हैं। मतलब उनका सारा जीवन और उनकी जीविका उस विशालगढ़ और उस मजार के साथ जुड़ी हुई है। अब वहाँ 3 हफ्ते से कर्फ्यू है, तो जो मुसलमान औरतें हैं उन्होंने तो सब हमको बताया कि देखिए हमारा घर जल गया, आप देखिए कुछ भी नहीं बचा, अब बताइए हम कैसे खाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन वहाँ बगल में एक बौद्ध वाड़ा है और वहाँ 100 दलित परिवार रहते हैं। चंद्रकला जो हमारे साथ गई थी वहाँ बैठी, वो औरतें आई और वो बिल्कुल रो रही थी, वो कह रही थी कि हम भी ऊपर नहीं जा सकते हैं, तो बताइए हम क्या खाएंगे, हम तो वहाँ दिन में कमाते हैं, किसी का सामान लेके जाते हैं या वहाँ कुछ सफाई करते हैं या किसी का सामान नीचे लेके आते हैं, तो जो हम कमाते हैं शाम को हम खाते हैं। अब 3 हफ्ते से हम जा नहीं सकते हैं, 3 हफ्ते से हमारा चूल्हा नहीं जला है, हमारे घर में खाने को नहीं, आप आके देखिए इतनी यानी कठिन परिस्थिति में वहाँ लोग हैं। तो ये मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कहने को तो हमला एक दूसरे धर्म के लोगों पर होता है, लेकिन उसका जो असर है, उसका जो दुष्परिणाम है, वो तो पूरे समाज के गरीबों को झेलना पड़ता है, पूरे समाज के गरीबों को झेलना पड़ता है। अब वो जो दलित महिलाएं हैं उन्होंने कहा, आप कहिए कि वो गुंडे लोगों को यहाँ नहीं आने दे, अगर वो आएंगे फिर तो हम तो भूखो मर जाएंगे। तो हमने कहा आप लोग भी जब इस तरह के लोग आते हैं आपसे वोट मांगने, तो उनको अरे कहने लगे हम लोग तो उनको देते नहीं हैं, और अब तो हमने सुना है कि लोग बाबा साहब के खिलाफ है, अब तो हम लोग झाड़ू लेके इनको यहाँ से भगाएंगे, यहाँ आने नहीं देंगे। मतलब अब लोगों में जागृति काफ़ी है कि ये जो लोग हैं ये संविधान विरोधी हैं, ये काफ़ी बात नीचे तक गई है। फिर लोगों ने हमको बताया कि 3 हफ्ते से वहाँ कोई भी बच्चा स्कूल नहीं गया है क्योंकि कर्फ्यू लगा है, तो जो 9वीं और 10वीं के स्टूडेंट्स हैं आप सोचिए अगर वो भी स्कूल नहीं जाएंगे तो उनका तो पूरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा, बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा। तो ये सारी हम लोगों ने वहाँ पर दिक्कतों को देखा, और जो सबसे बड़ी बात कि ये जो हमला हुआ तो हमले के पीछे जो कभी कभी कोई झूठा कारण बताते हैं, तो इस हमले के पीछे तो कोई झूठा कारण भी नहीं था। लेकिन मैंने आपके कोल्हापुर के उस टाइम के कुछ पेपर और कुछ वो टीवी पर न्यूज़ देखी आज सुबह, तो कोल्हापुर में दंगल और इधर से भी पत्थर उधर से भी पत्थर, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं। अगर वो बेचारों ने पत्थर मारा होता तो वो 40 घर हैं तो उनके 2-3 लोग मार डाले गए उनको, अगर उन्होंने ज़रा सा भी कुछ किया होता तो उनकी जान नहीं बच सकती थी, वो तो सीधा भागे जंगल के अंदर, और उनकी मस्जिद भी तोड़ी गई, मस्जिद के अंदर भी हमला हुआ। और मस्जिद तो छोड़िए, मस्जिद के सामने जो कब्रिस्तान है, मतलब ये लोग इतना नफरत है इनके अंदर
कि जिंदा लोगों के भी दुश्मन है और मरे लोगों के भी दुश्मन है। वो जाकर के कुछ नहीं मिला तो कब्रिस्तान में घुस करके उन्होंने कब्रों को तोड़ने का काम नहीं किया। तो ये जो हुआ है ये बहुत ही बुरा हुआ। और सारे कोल्हापुर के लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने सबने वहाँ सारे लीडर भी गए दो दिन के बाद और वहाँ उनकी बात को उठाई, लेकिन ऐसा फिर कभी ना हो इसके लिए भी आपको जनता के अंदर जागरूकता पैदा करने की ज़रूरत है। और जब आपके पास शाहू जी जैसा एक प्रतीक मौजूद है, हुआ है वहाँ आपके जिले के साये, और जिन लोगों ने ऐसा किया उनके खिलाफ समाज के अंदर एक घृणा की भावना पैदा करनी चाहिए कि ये लोग अल्पसंख्यकों के दुश्मन नहीं हैं, ये लोग शाहू जी महाराज के दुश्मन हैं, ये लोग शिवाजी के परंपरा के दुश्मन हैं, ये फूले और अंबेडकर के दुश्मन हैं। इस तरह से आपको इनके बारे में लोगों को बताना होगा। अब मैं अपनी बात को समाप्त कर रही हूँ एक बात के साथ। ये महिलाएं भी बहुत हैं, पुरुष भी बहुत हैं, लेकिन युवा कम हैं। और इसी युवा में ये नफरत का जो विष है वो फैलाया जा रहा है। तो आप में से सबके बच्चे तो होंगे ही, बहुत सारे लोग आप में से टीचर हैं, प्रोफेसर हैं या रिटायर्ड हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है, हम भी ये काम नहीं करते, हमको भी करना है। आप इन युवाओं और युवतियों, क्योंकि लड़कियां भी थी जलाने में, हम लोग सोचते हैं कि ऐसा नहीं होगा लेकिन ये भी हुआ है। उस हमले में 3-4 लड़कियां भी थी, यानी वो औरतें सबसे ज्यादा इसी से दुखी थी कि बताओ भाई लड़कियां भी आई हमारे घर को तोड़ने, उनको भी दया नहीं आई कि हम अपने बच्चों को लेके भाग रहे हैं, ये कह रही थी। तो इन लोगों के बीच में सच्चाई रखना, इनका भविष्य कैसे बिगाड़ा जा रहा है उसको बताना, और ये झगड़ा है क्या, ये झगड़ा मनुस्मृति और संविधान के बीच का झगड़ा है, ये झगड़ा समानता और विभाजन के बीच में झगड़ा है, ये झगड़ा देश को आगे बढ़ाने और देश को पीछे धकेलने का झगड़ा है। और मैं आपको बताऊं, आस पास के देशों में जो कुछ हो रहा है उससे एक बात तो सामने आ रही है, हम ये नहीं कह रहे वहाँ सही कौन है गलत कौन है, लेकिन ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो सरकार दादागिरी और तानाशाही का रास्ता अपनाएगी, जो सरकार नौजवानों के भविष्य को बर्बाद करेगी, जो सरकार लोगों को हिंसा का शिकार बनाएगी, गोलियों से भुनेगी, वो सरकार बर्दाश्त नहीं होगी ज्यादा दिन तक। उस सरकार के खिलाफ जनता उठ करके खड़ी होगी, ये भी हमको आसपास दिखाई दे रहा है। उससे हमारे यहाँ जो हाकिम है उनको भी सीखना चाहिए, समझना चाहिए, जो हमारे महाराष्ट्र का नया पेशवा पैदा हुआ है और जो यहाँ आया था कोल्हापुर इस घटना से एक दिन पहले, उनको भी समझाने की जरूरत है कि अब ये चीजें महाराष्ट्र में चलने वाली नहीं है। अब महाराष्ट्र में शिवाजी चलेंगे, शाहू जी महाराज चलेंगे, अंबेडकर चलेंगे, फूले चलेंगे, अब महाराष्ट्र में मनुस्मृति नहीं चलेगी, अब महाराष्ट्र में झगड़ा दंगा नहीं चलेगा, अब महाराष्ट्र एक होकर के आगे बढ़ेगा। ये हमको इन सरकार को चलाने वालों को समझाने की जरूरत है, बताने की जरूरत है। आप लोग भी सब जाइए, जब मौसम ठीक हो देखिए कि स्कूल चालू होते हैं कि नहीं, देखिए कि प्रशासन उन बच्चों के लिए बस लगाती है कि नहीं, देखिए कि जो लोग भूखे मर रहे हैं उनके घरों में राशन जाता है कि नहीं, और सबसे बड़ी बात है ये देखिए कि उन दो बुड्ढों को कोल्हापुर के अंदर आने नहीं दिया जाएगा, उनके लिए रास्ता बंद किया जाएगा। एक तड़ी पार वहाँ दिल्ली में बैठा है, इनको भी यहाँ से तड़ी पार करने की जरूरत है, और उनका जो जहर है उससे समाज को बचाने की जरूरत है। इतना कहकर के आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।